नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में मैं रूपाली बर्वे आपका स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ है ज्योतिष आचार्य शशि कचोली जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस प्रोग्राम। धन्यवाद रूपाली जी। 2023 आ रहा है, उत्सुकता के साथ आपको सभी को ये जानना बड़ी उत्सुकता लगी होगी कि कैसा रहेगा ये साल। तो हम मूलांक की बात करते हैं, अंक शास्त्र की बात करते हैं कि 1 से 9 तक के जो मूलांक है उन लोगों के लिए साल कैसा जाने वाला है। तो ये आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका मूलांक, ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूलांक 1 की। जी जी बिल्कुल रूपाली जी, देखिए अंक ज्योतिष भारत की एक अति प्राचीन विद्या है और इसका बहुत मतलब हम लोग बहुत इसको, जिनका जन्म तारीख नहीं मालूम हो, जिनका महीना नहीं मालूम हो, जिनका समय नहीं मालूम हो या साल नहीं मालूम हो, तो अंक ज्योतिष उसमें बहुत सही साबित होता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको सभी अंकों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। जिनका जन्म महीने की 1/10/1928 तारीख हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। साल 2023 आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। नया साल आपसे कुछ नए कार्य करवा सकता है। मूलांक 1 वाले दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षी होते हैं, जो ठान ले उसे पूरा करके ही चैन लेते हैं। जिद्दी और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। आने वाले नए साल 2023 के लिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने अहंकार की प्रवृत्ति से बचें, और अगर नहीं बचे तो आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। भगवान सूर्यदेव की आराधना करें, उपासना करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। बहुत खूब, अब हम चलते हैं अगले मूलांक की ओर। मूलांक 2 की ओर चलेंगे कि मूलांक 2 के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए रूपाली जी, मूलांक 2 उनका होता है जिनका जन्म महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को होता है, है ना। 2023 में आपकी मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, आपके स्वभाव से भावुक और कल्पनाशील होते हैं। इस साल आपका परिचय बहुत लोगों से होगा, तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप अत्यधिक भावुकता से बचें और अपने काम पे ध्यान दें। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। भगवान चंद्रदेव की आराधना करें, उपासना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ अगले मूलांक की ओर चलते हैं कि मूलांक 3 के लिए ये साल कैसा है। रूपाली जी, जिनका जन्म महीने की 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है। साल 2023 में आपके कार्यों में उन्नति बनी रहेगी और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे। आप लोग बहुत रचनात्मक होते हैं, अच्छे लेखक, अभिनेता और गायक होते हैं। आप लोग जो भी कार्य चुनते हैं उसमें शिखर पर पहुंचते हैं। आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कभी भी नकारात्मक नहीं रहते और न सोचते हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं। आने वाले नए साल के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने आप को निखारें ताकि दूसरे लोग आपको देखकर आपसे कुछ सीखें। गुरु ग्रह इस अंक के कारक होते हैं, तो गुरु ग्रह की उपासना करें, आराधना करें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मूलांक 4 की बात करें अगर हम, तो उनके लिए 2023 कैसा रहेगा। देखिए जिनका जन्म महीने की 4/13/22 या 31 तारीख हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। राहु जो ग्रह होता है इस अंक का कारक होता है। मूलांक 4 लोग बहुत मेहनती और रिश्तों में ईमानदार होते हैं। आने वाला साल 2023 फाइनेंस, बैंक और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अत्यधिक सफलता दिलवाएगा। आपकी दोस्ती बहुत लोगों के साथ होगी, पर जब आपको उनकी जरूरत होगी तब वो आपके काम नहीं आएंगे। नए साल 2023 के लिए मेरे आपको यही सलाह है कि आप अति आत्मविश्वास से बचें और अपना काम लगन से करें। सफलता निश्चित है आपको, क्योंकि आपको ये अंक 4 राहु ग्रह से प्रभावित है, तो आप माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मूलांक 5 की ओर बढ़ते हैं कि मूलांक 5 जिनका है उनके लिए ये साल कैसा बीतेगा। रूपाली जी, जिनका जन्म महीने की 5/14/23 को हुआ है उनका मूलांक 5 होता है। ये लोग बहुत ही शीघ्रता से अपने मित्र बना लेते हैं, निर्णय लेने में निपुण होते हैं। ये अपने जीवन शैली में निरंतर बदलाव पसंद करते हैं। आने वाले नए साल 2023 में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि व्यापार, व्यवसाय, मार्केटिंग और सेल्स में अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। यात्राओं के भी योग हैं। नए साल के लिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, नियमित प्राणायाम करें, क्योंकि अंक 5 बुध ग्रह से प्रभावित है, तो आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि मूलांक 6 के लिए 2023 ये साल कैसा है। जिनका जन्म महीने की 6/15/24 को हुआ उनका मूलांक 6 होता है।
मूलांक छह वाले बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनका मूल इन मूलांक के लोग बहुत अच्छे कलाकार, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, जिम्मेदार नागरिक होते हैं। आने वाला साल 2023 आपको नई पहचान देगा, नए रुतबा देगा, नई साख, आपको आपकी साख बढ़ेगी। जीवन में नए लोग शामिल होंगे, शिक्षा और समाज से जुड़ी गतिविधियां बुलंदियों पर ले जाएगी, परिवार में सुखद माहौल रहेगा। नए साल के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको नुकसान संभव है। अंक 6 शुक्र ग्रह से प्रभावित है तो आप माता लक्ष्मी की उपासना आराधना करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। मूलांक 7 के लिए क्या कहेंगे आप? मूलांक 7 उनका होता है जिनका जन्म महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है। इनकी प्रकृति बहुत चंचल होती है, इन्हें यात्राओं का शौक होता है, ये परिवर्तन प्रेमी भी होते हैं, ये अच्छे चित्रकार और दार्शनिक होते हैं। साल 2023 को जो लीड करेगा वो मूलांक 7 ही करेगा, ये केतु ग्रह से प्रभावित है। आपको नए साल में आध्यात्मिक गतिविधियों में आनंद आएगा, बहुत समय से जो चीज हासिल करने के प्रयास में थे वो इस साल आपको मिल जाएगी, आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। नए साल में मेरी आपको यही सलाह है कि आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो आप करें, और जिसको जो बोलना चाहते हैं वो मुखर होकर कहें, अपने दिल की बात कहें, किसी से डरे नहीं। इसके लिए ये जो ग्रह है केतु ग्रह से प्रभावित है तो आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे मूलांक 8 की कि उनके लिए ये जो जातक है उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। मूलांक 8 जिनका जन्म महीने की 8, 17, 26 को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। ये लोग बहुत जिद्दी और हठी होते हैं, इसलिए प्राय गलत ही समझे जाते हैं, ये अपनी भावनाओं को छुपाए रखते हैं। आप हमेशा किसी न किसी काम में सफलता की तलाश करते रहते हैं। साल 2023 में आप अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे, दोस्तों के साथ भरपूर समय बिताएंगे और खुश रहेंगे। मूलांक 8 वालों का व्यवसाय नए साल में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ये अंक शनि ग्रह से प्रभावित है। इसलिए नए साल में मेरी आपको यही सलाह है कि अपने जिद और हठीपन को छोड़ें, विनम्र बने, शांतिपूर्वक अपने कार्यों को करते रहें, शनि देव की आराधना उपासना करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगली और आखिरी जो मूलांक है उसकी ओर बढ़ते हैं कि मूलांक 9 के लिए 2023 से कैसा रहेगा। मूलांक 9 उनका होता है जिनका जन्म महीने की 9, 18, 27 को हुआ है। ये लोग बहुत संघर्ष करते हैं, इनका गुस्सा बहुत तेज होता है, ये बड़बोलेपन के शिकार होते हैं, क्योंकि 2023 में ये इस तरह का जो इनका गुस्सा होता है ये इनको बहुत चीजें नहीं करने देगा, तो जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्या इनमें रहेगी, इससे ग्रस्त रहेंगे। विज्ञान, राजनीति और कानून संबंधी क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी। इनको मेरी यही सलाह है कि ये अपने धन का सही उपयोग करें, सही प्रबंधन करें, तो ये इनको ये साल बहुत अच्छा बीतेगा। मंगल ग्रह से ये ग्रह प्रभावित है तो हनुमान जी की आराधना उपासना करें, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही खूब शशि जी ने 1 से 9 मूलांक के बताया कि 2023 उनके लिए कैसा जाएगा, साथ ही ये बताया कि आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके उसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे यही मुलाकात होती रही। जी धन्यवाद, जय महाकाल।